रिटायर हो चुके हैं पिताजी और रिग्रेट में रहते हैं, तो काफी ना घर में झड़प भी रहती है, इंसान फ्रस्ट्रेटेड है फॉर एग्जाम्पल। तो इससे मतलब प्रॉब्लम ऐसी कुछ नहीं है, बट काइंड ऑफ वो है रिग्रेट कह रहा हूं। हम जवानी में जिंदगी जीते हैं बहुत हद तक मजे की प्राप्ति के लिए, इधर मजा कर लें उधर मजा कर लें, थोड़ी सी राहत मिल जाए, यहाँ पे सहूलियत मिल जाए, यहाँ पे हो सकता है भैंचो पिक्चर देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा मुठबाजी कर लें, यार कोई ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाए, या प्यार ऐसा होता है भैंचो, तभी एक जो जलजला है ना मटीरियलिज्म का, इंसान को इसलिए इतना ईजिली फंसाया जा सकता है जवान इंसान को। सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि इंसान, क्योंकि जवान इंसान मूर्ख है, बात नहीं है, मूर्ख मात्र जो बुढ़ापे में आ रखा है वो भी है। जवान इंसान क्यों उस चीज में फंसा रहता है बहुत ज्यादा, उसका एक्चुअल आंसर यह है क्योंकि जवान इंसान को वक्त जैसे दिखता है अपनी जिंदगी में, उसका परसेप्शन कंप्लीटली डिफरेंट है। उसको वक्त बहुत भयंकर लेवल में ऑप्टिमिज्म में दिखता है, मेरे पास बहुत टाइम है कुल मिला के। जवान इंसान जो 20 में बैठा है उसको लगता है मैं तो भाई 20 में 21 22 23 जो भी नंबर डालना डाल दो, मेरा बहुत टाइम है। हमें 2 साल अपने दिमाग में हम 600 दिन की तरह थोड़ी गिन रहे हैं, या 700 दिन की तरह थोड़ी गिन रहे हैं, 700 डेज लेफ्ट थोड़ी देख रहे हैं हम। काउंटडाउन लगा दो, और अगर वो डेली कम होता चला जाए टक टक, तुम थोड़ी एंजाइटी फील करोगे। वहीं पे 2 साल में कितने दिन जाते रहे, सितंबर से अक्टूबर आ गया, अक्टूबर से नवंबर आ गया, लेकिन हमारा दिमाग क्या कहता है अभी 2 साल बचे हैं। महीने सटासट पूरे पूरे ब्लॉक में 30 दिन निकल जाते हैं, हमारा दिमाग क्या कहता है 2 साल बचे हैं अभी। 2 साल नहीं बचे भाई, 2 महीने निकल गए। हुआ क्या है जवानी में, ये बात समझ में नहीं आती इंसान को कि जिंदगी के वो चीजें क्या हैं जिससे हम एक्चुअल में सुख मिलता, हमें वो चीजें क्या हैं जिनको हम कहेंगे यार जिंदगी में ये किया तो हाँ यार मैं, मुझे गर्व है अपने पे, ये चीजें जो करी जिनकी वजह से मैं कहूंगा मैंने अच्छी जिंदगी जी। ये जो प्रश्न है ये हम अपने आप से पूछते ही नहीं है। मोस्टली तुम में से कितने लौंडे हो या लड़कियां हो जो सुबह उठ के ये पूछ रहे हो मैं अच्छी जिंदगी की तरफ बढ़ रहा हूं। हम लिटरली उठते हैं फंसे हुए किसी ना किसी चोद में, आपका कंटिन्यूअस एक कोई चोद चल रहा है जो कि आप हर मॉर्निंग में आप रीअटैच कर लेते हो, जिससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो जिंदगी जीना जहां पर तुम ये कह पाओ आगे चल के कि बहनचो कोई रिग्रेट नहीं है जिंदगी में। बहुत सारे लोगों के तुम में से कहोगे नहीं बहुत टाइम है, तुम मान नहीं सकते कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बनेगी तुम्हारे लिए, वो 35 से शुरू हो जाएगा जहां पे तुम्हें धक धक लेने लग जाएगा हल्का सा। किन चीजों में चोट दी अपनी जिंदगी, क्या क्या चीजें थी जो मैं करना चाहता था जो मैंने नहीं करी, क्या क्या चीजें थी जो मैं करना चाहता था जो मैं कर सकता था मैंने नहीं करी। और फर्क पड़ता है क्यों, क्योंकि वो तुम्हारी बींग से कनेक्टेड है। ये तुम अपने लेटर ईयर्स में बहुत कायदे से रिग्रेट करोगे कि बहन चो मेरा ये करने का मन था, हमेशा से ये करने का मन था, तुम्हारी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, वो जिंदगी जिसको आज तुम एंडलेस सप्लाई की तरह देख रहे हो, जब वो छोटी सी बची होगी ना तब तुम्हें सारी चीजों की वैल्यू समझ में आएगी कि ये जो छोटा सा गिफ्ट मिला था ये अब खत्म होने वाला है, और वो जो चीज जिस गिफ्ट को जो खूबसूरत बना देती वो चीज मैंने करी नहीं यार, है ना अजीब सी चीज। इफ यू हैव प्रॉब्लम्स विद कंसिस्टेंसी डिस्ट्रैक्शंस, वक्त कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, 2 कौड़ी की आदतें लगा के बैठे हो, दिन बर्बाद हो रहे हैं, काम घंटा नहीं होता, तो अटैक मोड खरीदो। क्या है अटैक मोड? अटैक मोड एक सिस्टम है जो तुम्हारी सारी ड्रीम्स एम्बिशंस और गोल्स को एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में रख देता है ताकि तुम्हें रोज पता हो कितने बजे क्या करना है। उसके अलावा इस सिस्टम में तुम्हें मिलता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेम्पलेट्स एंड पॉइंटेड जर्नलिंग की टेम्पलेट्स, जिससे तुम अपनी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स की धज्जियां उड़ा देते हो और तुम्हारी सेल्फ नॉलेज बढ़ती है, बेसिकली तुम अपनी गांड मारते कैसे हो तुम्हें ये पता चलता है। अटैक मोड ₹1500 का कोर्स है जिसमें तुम्हें बीइंग पावरफुल सिस्टम भी मिलता है जो साइंटिफिकली तुम्हारी सेल्फ एफिकेसी कॉन्फिडेंस काम तुमसे कैसे होगा वो करवा देगा तुमसे। लास्टली जिसने कोर्स लिया है उनके लिए एक्सक्लूसिव डिस्कॉर्ड सर्वर है जहां पे हम सब लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हो, तुम अपने टेम्पलेट तुमने कैसे चेंज करी, डिजाइन करी, मॉडिफाई करी तुम वो शेयर कर सकते हो, प्रॉब्लम अपनी तुमने कैसे कैसे सॉल्व करी तुम वो शेयर कर सकते हो, प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो, सब कुछ के लिए कम्युनिटी है। अगर फाड़ के हाथ में लग देना चाहते हो तो अटैक मोड खरीदो, gangstarphilosophy.com पे जाओ खरीदो, और नीचे लिंक भी दिया है वहां से भी खरीद सकते हो। करोड़ों लोग हैं, करोड़ों भीड़ है, और ये बात तुम जब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे होगे तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि इतने लोग आके जा चुके होंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, जिन लोगों को तुम पकड़ के बैठे हुए भी थे या ऑब्सेशन बांध रहे थे, ये कोई मायने नहीं रखेंगे जिंदगी के आखिरी 10-20 साल में। बसता हमारा कर्म है भाई, दिखावा दिखावा तो सब पिघल जाएगा भैनचोद। हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू इंडिविजुअल को थ्रू अ चॉइस जो हमारे दिमाग में आ रही है, मे बी वो डिजायर से आ रही है। तुमने उसको कह दिया प्यार है मेरे इंसान से, मुझे इंसान ना मिला तो मैं तबाह हो जाऊंगा अपनी जिंदगी में, मैं पोएट्री पढ़ूंगा रूमी की पढ़ूंगा, मैं ये पोएट्री पढ़ूंगा, मैं वो पोएट्री पढ़ूंगा, कि मैं अकेले में लोनलीनेस में ये मैं प्यार करता हूं किसी को। कर लो अभी बकचोदी, वो भी बड़ी टेम्परेरी बकचोदी है, एक दिन उससे भी उब जाओगे। पॉइंट ये सारी चीजों से उब जाओगे, और मरते वक्त ये सब याद नहीं आएगा कि अरे वो लड़की पटी नहीं, लड फर भी पड़ेगा तुम्हें क्योंकि मौत दिख रही है। मैंने क्या किया, क्या मैंने एक अच्छी जिंदगी जी? जो भी बकचोदी में जो तू अभी फंसा है उस बकचोदी की वजह से कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो खो दी, जो इंपॉर्टेंट में भी सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं नहीं कह रहा करोड़ों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी, मैं कह रहा हूं वो चीजें करने की अपॉर्चुनिटी जिससे तू जान सकता है तू है क्या पूरी तरह से।
अपनी आत्मा, अपने अंदर की जो इंटरेस्ट हैं, हॉबीज हैं, क्यूरियोसिटीज हैं, उनको तो पूरा करेगा, उनको खाना देगा, तो किसको जानेगा, तू कौन ग्रो होगा, तू ही तो जानेगा, तेरे नए रूप खुलेंगे ना। अगर तू पोकेमोन है तो तेरा एवोल्यूशन होगा ना भोसड़ी के। तू खाना दे रहा है किसको? अपनी बींग को, अपनी आत्मा को, अपनी ऊर्जा को। अब वो इंटेलेक्चुअल ऊर्जा हो, क्रिएटिव ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, कहां जा रहा है सब कुछ? तेरे में। कौन बड़ा होगा? तू होगा ना, तू विशाल होगा ना। ग्रोथ किसकी है? अब यहां पे फिर सांसारिक ग्रोथ की बात नहीं कर रहा मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रहा हूं, एक इंडिविजुअल ग्रोथ की बात कर रहा हूं। फिलोसॉफिकली अगर देखो इंसान को, इस पृथ्वी में सिर्फ इंसान को देख, बाकी सब भूल जा मादर चोद, जो भी सिखाया गया हमको संसारिक दुनिया में, कैसे देखते हैं, क्या कॉर्पोरेट दुनिया है, क्या फाइनेंशियल है, सब भूल जा मादर चोद। एक होमो सेपियन तेरे सामने खड़ा, और होमो सेपियन अपनी बुद्धि में कर्म करके अपने आप को बड़ा कर रहा है, खूबसूरत बना रहा है, क्रिएट कर रहा है कुछ अपने अंदर, जिससे वो बदल जाता है। क्या ये खूबसूरत चीज नहीं है? क्या वो इंसान मरते दम तक कम से कम ये तो नहीं कहेगा कि मैंने क्या खूबसूरत जिंदगी जी, मैंने अपने आप को किन किन तरीकों से जाना, मैंने अपने आप को किन किन तरीकों से बदल दिया, कितने नए तरीकों से अपने आप को देख सकता हूं मैं खुश हूं कि मैं अपने आप को इतने ढंग से जान पाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। जितने लोग इस वक्त छुटापे में बैठे हैं, प्यार व्यार लड़की लौड़ा लसू में मर जाऊंगा, मैं कह रहा हूं इन सब चीजों की ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑफकोर्स है मेरे भाई, बट इनको कभी कुचलने मत देना। ये पथ, ये जो मैं बात कर रहा हूं, जो तुम अपने आप को जान सकते हो, तुम विशाल हो सकते हो, जो अपने ऊर्जा बढ़ा सकते हो, ये मत कुचल देना कि मैं, क्योंकि इस वक्त जवानी के मैं बेहोश हुआ हूं, या फिर मैं ऐसे ट्रांस में हूं जवानी के, तो बाहर में जाए सब कुछ यार, बाद में कर लेंगे। करोड़ों लोग इस दुनिया में मर जाते हैं अपने आप को ना जाने हुए, वो सिर्फ एक परछाई से मिले अपनी, या फिर एक भोसड़ी के अज्यूम्ड आइडेंटिटी से मिले अपनी, और कभी कभी उनको एक अजनबी मिलता है अपने अंदर। रिग्रेट से अगर चाहते हो भैंचो लाइफ में कभी रिग्रेट ना हो, ये इधर जान डाल देना। लड़की आए जाए, लड़का आए जाए, पति आए जाए, बीवी आए जाए, बच्चा आए जाए, मेरी बात समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इग्नोर करो सबको, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई सेकेंडरी भी रखो सबको, सबको साइमल्टेनियसली इक्वली इंपॉर्टेंस भी दे सकते हो। एक बार में इंसान चार चीजें कर सकता है, एक बार में इंसान 40 चीजों को इंपॉर्टेंट समझ सकता है, हमेशा बाइनरी में खेलने की जरूरत नहीं है। बट मेरी बात समझ रहे हो, इससे अपना धागा, अपनी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी और अपना रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि ये तुम्हें तुम बनाता है, ये तुम्हारे अंदर तुमको एक अलग लेवल की एनर्जी और ऊर्जा देगा, जिससे तुम कभी गामुर नहीं बनोगे किसी भी चीज का, और कहीं कोई भी एक्सटर्नल चीज तुमको कभी उस लेवल से फंसा ही नहीं पाएगी। अगर तुम इंटरनली अपने साथ एक खूबसूरत रिश्ता मेंटेन करके बैठे हो, वो तभी होता है जब तुम अपने अंदर जो भी चीजें हैं करना चाहते हो या करना चाहते थे, उन पे जान डाल के करते हो, आउटपुट के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन है बहनचोद। अब उसके पैसा कम रहा है तो कमाओ ना, उसमें क्या बुराई है? दो बहुत बड़े रिग्रेट हैं, पहला तो ये हो गया, और उसके बाद दूसरा हो गया कि भाई मैंने अपनी जिंदगी में टाइम चोद दिया। जितने लौंडियाबाज हैं, जितनी भी बकर चोदी चल रही आज की दुनिया में, ये वो जो हमें बताया जाता है सांसारिक मटेरियलिस्टिक, ये सब पालोगे, लौड़ा लसुन कर लोगे, जब आ रही होगी ना यहाँ पे स्लेट क्लीन हो रही होगी, जब लेटे हो गए 10 साल बचोगे जिंदगी में, तब काइंड ऑफ ये होगा कि भाई बहुत सारी चीजें मे बी रिडंडेंट थी। अगेन समझना है, पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन पैसे पीछे लार टपका के नाचना, पैसे के लिए एक नचैया बन जाना कि तूरी तेरी महिमा में बस नाचूंगा मैं सुअर की तरह, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर तू वक्त बर्बाद कर रहा, वक्त की तूने थूक दिया उसके मुंह पे, तो वक्त वहां पे तेरे से एकदम एमनीजिया की तरह गायब हो जाएगा। तब तू कहेगा मुझे, मैं 30 तक बहुत सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता मैं 30 से 40 तक क्या कर रहा था, मैंने बहुत बर्बाद किया अपनी जिंदगी। तू हो सकता है अय्याशी चोद रहा हो, तू वो काम कर रहा हो कि मैं ये वो ये वो, लेकिन तुझे पता चलेगा एक टाइम पे कि भाई मैं कुछ मीनिंगफुल कर सकता था शायद अपनी जिंदगी के साथ, मैं शायद कुछ ये कर सकता था या वो कर सकता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी जिंदगी में अपने वक्त की अहमियत समझो। इसका मतलब ये नहीं है वक्त, टाइम इज मनी, ये भूख है पैसे की, ये तो फिर वही हो गया हमें नचैया बनना पैसे का, नहीं, वक्त के हिसाब देखो कि मेरा इस लाइफ में, इस टाइम पे, इस टर्म पे क्या फेस चल रहा है, कौन सी स्टोरी आर्क में हूं मैं। क्या खूबसूरत क्वेश्चन है, पूछते हो अपने आप से। अगर एक स्टोरी आर्क फिनिश हो गई तो एक दूसरी स्टोरी आर्क शुरू करो, जिसमें तुम एक और रोमांचक एडवेंचर पर जाते हो, और उसका ऐसा हमेशा हर चीज को एक कैपिटलिस्टिक कॉर्पोरेट अमेरिकन सेल्फ हेल्प पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, तुम्हारा वो एक स्पिरिचुअल स्टोरी आर्क हो सकती है। मैं क्या नया पथ है जिसमें चलना चाहूंगा अपनी जिंदगी में, कंप्लीटली नई जगह पे जाऊंगा मैं। और उसके बाद लास्ट जो बहुत बड़ा रिग्रेट है वो है नॉट ट्रीटिंग या फिर बीइंग विद योर फैमिली। कितना करोड़पति बन गए, चाहे कितने तुमने नोबेल प्राइज जीत लियो, पुरस्कार जीत लियो, चाहे कितने समाज ने चाहे कितनी तालियां बजा दी हो, लोग सोचता है कितना नाच गए हो तुम्हारे अराउंड के, भैया हम तो बड़े फैन है आपके। जो इंसान अपने बच्चे के साथ ना बैठा, जो इंसान जिसने एक अच्छे लोगों के साथ अपने यानी कि पारिवारिक या रिश्तेदारी में, जो कि दोस्ती भी हो सकती है और खून की रिश्तेदारी भी हो सकती है, जिसने उसमें धोखाधड़ी करी, जिसने उसने निगलेक्ट किया, जहां पे जब लोग जो सही थे तुम्हारे लिए, उनको जरूरत थी तुम्हारी, तुम नहीं बैठे उनके साथ क्योंकि तुम्हें शायद दूसरी चीजों की उस वक्त वैल्यू ज्यादा लग रही थी, तुमने उनको इग्नोर किया, निगलेक्ट किया कायदे से,
तुमने हो सकता है किसी के साथ रिश्ते नहीं बनाए, तुमने हो सकता है अपने बच्चों के साथ रिश्ते बहुत खराब रखे, तुमने हो सकता है बच्चों के साथ जब बैठना था तुम बैठे नहीं जिंदगी में क्योंकि तुम्हें बाकी चीज़ों भी जब भाग रहा बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था। अब फिर समझो चीज़ें बाइनरी नहीं होती, वक्त को अगर समझो तो तुम भाई जो तुम्हारे दिल के करीब है तुम्हारा जो मन है कर रहे हो तुम वो भी कर सकते हो और अपने घर वालों के साथ बैठ सकते हो। बट ये बात आती है समझदारी की, ये बात आती है चीज़ें समझने की, भैंचो रिग्रेट होता क्या, और जिंदगी में अगर तुम बैठे हो और अगर तुम्हारे लत से बच्चे बड़े हो गए अरे भाई आखिरी के 10 साल बैठ लेंगे उनके साथ, वो कोई जिंदगी थोड़ी है, तुम खुद जिंदगी पर कहते हो कि मैंने अपने बच्चे साथ बैठा नहीं। कितने लोग हैं भोसड़ी वाले फोटो खोल के देखते हैं फैमिली मेम्बर के और उनको रोने लग जाते हैं क्योंकि वो बैठे ही नहीं उसके साथ, बच्चा 3 साल का जब था पता ही नहीं भोसड़ी का क्या कर रहा था, घर में आते थे बस देखते थे बेटा को आगे बढ़ गया, उसका जिंदगी कभी वो 3 साल का होने वाला है नहीं, तो तुम्हारे लिए वो अजनबी लगता लोगों को कि मेरा खुद का बच्चा कितना जिसके साथ मैं बैठ ही नहीं पाया, तो लोगों के अंदर वो होता है रिग्रेट कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, मैं बैठा ही नहीं इस ये जो खूबसूरत उम्र जो दिख रहा है खूबसूरत पल था जिंदगी का मेरी जिंदगी, इसमें मैं जिंदा था मैं चल रहा था मैं खेल सकता था, मैंने इस चीज के लिए जिसके लिए आज मैं मर सकता हूं मैंने इसके मैं इसको इग्नोर कर रहा था। ये सब चीजें तुम लोग समझोगे नहीं लेकिन ये बहुत बड़े रिग्रेट होते हैं लोगों के, लौड़े लग के हाथ में रखे होते हैं लोगों के इस टाइम पे। तो लास्ट चीज क्या है, जिंदगी में फेलियर से मत डरो। बहुत लोग सोचते हैं फेल होना रिग्रेट है, रिग्रेट है ना करना, जिंदगी भर सोचते रह गए भोसड़ी के किया ही नहीं, ये है असली रिग्रेट। अगर तुमने किसी चीज में जान डाल दी और पूरा दे दिया और फिर नहीं हुआ तो तुम्हें एक संतुष्टि भी है ना एक लेवल की, मैंने किया मैं हार गया ठीक है, रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट उसको होगा जो उसको लगता है मैं कर सकता था उसने कभी किया भी नहीं कभी ट्राई नहीं मारा। 3 चीजें अपनी जिंदगी में ले आओ, काम के प्रति मैं एक भक्ति भक्ति भाव से बढ़ूंगा, मैं शक्ति एकत्रित करूंगा अपने जीवन में, और मुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति भाव से मैं काम करूंगा जो भी चीजों में मेरा मन है, जोन्ड इन डिवोटी बन जाऊंगा उसका। शक्ति पाना इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, सांसारिक दुनिया में तुम अगर चाहते हो आराम से 2 कदमों पर खड़े हो पाओ और लोग तुम्हारी तुम्हारी इज्जत करें अलग लेवल पर उसकी जरूरत है, तो शक्ति भी प्राप्ति की जरूरत है। सबसे ज्यादा समझदार वही है जो अपने जिस भी ऑब्सेशन है उसमें डिवोटेड भी है उसका भक्त भी है और मुक्त भी है, तो वो दोनों रोल्स ऑक्यूपाई करता है अभी से ही, इसलिए आगे बढ़ो।